नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे। और आज हम जिस शो को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉब साइको 100। तो चलिए बिना और कोई वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो जो मॉब साइको है ये पिछले साल एयर होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर शो है। अब इस शो के एयर होने से पहले ही इसके अराउंड काफ़ी हाइप थी, क्योंकि ये शो उस बंदे ने क्रिएट किया है जिसने वन पंच मैन भी बनाया है। तो मॉब साइको 100 की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट की गई है जहाँ पे दो पावरफुल एंटिटीज़ हमारी सोसाइटी में रूल करती हैं। उनमें से पहली है कोई भी पावरफुल घोस्ट या स्पिरिट्स जो कि हमारी सोसाइटी को हॉन्ट करती हैं, और दूसरी है पावरफुल साइकिक्स जिनमें बाय बर्थ साइकिक पावर्स होती हैं, या फिर कई केसेस में जो इवेंचुअली उन्हें ग्रो करते हैं। तो हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है शिगेओ कागेयामा, या फिर उसका जो फेमस निकनेम है मॉब। तो जो मॉब है वो एक बहुत ही पावरफुल साइकिक है, लेकिन वो इस बात से इतना खुश भी नहीं है क्योंकि उसमें कोई और एबिलिटी जो हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। इसी बात से मॉब काफ़ी स्ट्रेस में रहता है और हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ ना करे जब तक कि उन्हें यूज़ करना उसकी मजबूरी ना बन जाए, या फिर वो इतना स्ट्रेस आउट हो जाए कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ही ना कर पाए। अब सुनने में तो ये सब चीज़ें काफ़ी सीरियस लगती हैं, लेकिन असल में ये शो जो है ये काफ़ी कॉमेडी है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये वन पंच मैन से भी ज़्यादा कॉमेडी शो लगा। ये शो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो मेनली कॉमेडी सेंटर्ड है, और जो कुछ एक्शन सीन्स हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से उनमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सीरियस टर्न लेने लगती हैं, और वो एक तरह से थोड़ी बैटल आर्क टाइप है, लेकिन फिर भी जो कॉमेडी एलिमेंट है शो का वो उस आर्क में भी बरकरार रहता है। अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो इस शो की मेन हाईलाइट है इसके साइड करेक्टर्स। इसके साइड करेक्टर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। साइड करेक्टर्स में पहला नाम आता है टेरुकी का, जो कि खुद भी एक पावरफुल साइकिक है। टेरुकी जो है वो सीरीज़ के कुछ डिवेलपिंग करेक्टर्स में से एक है। इसका करेक्टर एक तरह से एक बुली की तरह शुरू हुआ था जो कि अपनी साइकिक पावर्स पे काफ़ी घमंड करता था, लेकिन मॉब के साथ लड़ाई के बाद मॉब ने जब उसे हरा दिया तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी साइकिक पावर्स का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो मॉब का अच्छा दोस्त बन गया और साथ ही साथ एक काफ़ी बढ़िया जोक सेंटेड करेक्टर भी बन गया। दूसरे नंबर पे करेक्टर आता है रीगन का, जो कि मॉब का टीचर है और साथ ही साथ स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने का काम भी खोल रखा है उसने, लेकिन असल में वो कोई पावरफुल साइकिक वगैरह नहीं है। वो सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्हें ठगता है। वो सिर्फ मॉब का इस्तेमाल करता है कि जो सारा काम है वो मॉब करे और उसको पैसे मिल जाएं। अब रीगन का करेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया, वो उस फाइनल एपिसोड के करके। अब मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन जो फाइनल एपिसोड है उसमें मैं सीरियसली हंस रहा था और साथ ही साथ बहुत तालियां भी बजा रहा था। अभी ये शो हमें बताता है कि किस तरह से आप सीरियसनेस में ह्यूमर को मिक्स कर सकते हैं। अब अगर हम एनिमेशन और साउंड ट्रैक की बात करें तो एनिमेशन क्वालिटी मुझे ठीक ठाक सी ही लगी। एनिमेशन क्वालिटी अब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडियो बोन्स से, लेकिन फिर भी ये बहुत बुरी भी नहीं है। इसके करेक्टर्स जो हैं थोड़े कार्टूनिश टाइप हैं, और कई जगहों पर जो करेक्टर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर भी लगते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्टर स्टाइलिंग है वो शो की थीम को काफ़ी सूट करती है और बड़े ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। और साउंड ट्रैक पर आते हुए जो इस शो की ओपनिंग थीम है वो मुझे बहुत ही पसंद है। इस शो की ओपनिंग थीम में काउंटिंग होती है 1 to 99। सुनने में जितनी सिंपल लगती है ये उतनी है नहीं। ये बहुत ही बढ़िया और हाइप करने वाली ओपनिंग है जो कि हमें शो देखने के लिए काफ़ी पंपअप कर देती है। इसके बाद मैं कुछ अपने फाइनल थॉट्स देना चाहूँगा। पहला तो ये
कि अगर आप ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी एक्शन भी देखने को मिले तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वन पंच मैन पसंद आया था तो आपको ये सीरीज़ भी काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको वन पंच मैन पसंद नहीं भी आया इसलिए क्योंकि उसके सेटअप जोक्स रिपीट किए जाते थे या फिर कुछ ऐसे रीज़न करके, तो भी आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इस सीरीज़ के जोक्स में काफ़ी वैरायटी है, ये एक ही जोक को रिपीट नहीं करती बार बार। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस शो को रेटिंग देना चाहूँगा 8.76 आउट ऑफ 10। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय।